टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसे भी है अपना हाल खबर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो मैं ये बताने वाली हूँ कि हम इंडियंस कोरियन पीपल से बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे प्यार करते हैं। हमें कोरियन पीपल बहुत अच्छे लगते हैं, कोरियन फूड अच्छी लगती है, कोरियन ड्रेस बहुत अच्छे लगते हैं। BTS का तो सारे लोग फ़ैन हैं। मैं फ़ैन नहीं हूँ, कभी कभार वीडियो देख लेती हूँ, अच्छे लगती है मुझे वीडियोस। हाँ तो हाँ, अभी मैं लेके आई हूँ आपके सामने बहुत सारे कोरियन नूडल्स जो अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ और मैं आपको उसका ऑनेस्ट रिव्यू बताऊँगी। ढक्कन जिसमें मैंने ये 6-6 प्रकार के नूडल्स बनाए हैं। तो घर में जितने बर्तन पड़े थे सबको मैंने उठा के बना दिया। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कौन सा किस फ्लेवर का है। हॉट एंड स्पाइसी कोरियन चीज नूडल्स, ये है शायद नॉनवेज और ये कुछ इस तरह से दिखता है। और ये है हॉट एंड स्पाइसी वेज जो कि इस तरह से दिखता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं किमची नूडल्स जो कि इस तरह से दिखता है, पिक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये है सुपर स्पाइसी नूडल्स जो कि इस तरह से दिखता है। फिर है ये मेरा कोरियन रामियन, थोड़ा थोड़ा रामियन जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा सूपी फ्लेवर होना चाहिए था, थोड़ा सा वाटर जो इसका ड्राई हो गया है मेरे को बनाने में सारा सेटअप करने में। और ये है मेरा सून वेजी रामियन, ये नूडल्स सूप है। तो सूप तो एंगल से किसी एंगल से लग नहीं रहा है जो कि ये दोनों को सुपी सुपी होना चाहिए था, बट थोड़ा सा मुझे लेट हो गया मतलब सारा सेटअप करने में, इसलिए पानी सबका सूख गया है। अब मैं खा के बताती हूँ कि किसका कौन सा है। हाँ, इसमें से एक चीज़ बताना मैं भूल गई, ये जो किनारे के 2 फ्लेवर है ये दोनों इंडोनेशिया मेड इन इंडोनेशिया है। ये आपका कोरियन है मेड इन कोरियन, वो भी मेड इन कोरिया और वो भी मेड इन कोरिया। और ये हमारा मेड इन इंडिया है जो कि नॉर ब्रांड से है। तो मैं तो कोरियन देख करके लेके आ गई, बट कोई बात नहीं, अब खा के देखते हैं पता चलता है कि हमारे जो कोरियन नूडल्स है और नहीं जो इंडोनेशियन नूडल्स है वो कोरियन नूडल्स को टक्कर दे पाते हैं या नहीं, या फिर हमारे जो नॉर इंडियन जो नूडल है ये कोरियन नूडल्स को टक्कर दे पाते हैं कि नहीं। अब मैं खा के बताती हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं खाऊंगी ये क्या है, ये कोरियन वेज फ्लेवर, ठीक है, वेज फ्लेवर जो कि है इंडोनेशिया फ्लेवर। तो इसको पहले सबसे मैं खा के देखती हूँ चॉपस्टिक से, जो कि पकड़ने तो आता नहीं है मुझे, लेकिन स्टिल आई विल ट्राई। हम इंडियन है भाई, हमें कांटे चम्मच से कांटे चम्मच का आदत है, ये इसका तो आदत नहीं है। बहुत बहुत स्पाइसी है। ओके अच्छा, टेस्ट अच्छा है, बहुत स्पाइसी है, वेज है। आगे देखते हैं। ये मैं लेके आई हूँ गरम पानी, थोड़ा पानी पी पी के खाते हैं ताकि सबका फ्लेवर एक साथ मेरे मुंह में मिक्स ना हो जाए। थोड़ा पानी पी के खाएंगे तो पता चलेगा, अलग अलग फ्लेवर पता चलेगा। अब मैं खाने वाली हूँ हॉट एंड स्पाइसी कोरियन चीज़, ठीक है। देखने में तो बड़ा अजीब सा दिख रहा है, पता नहीं, खा के देखते हैं। अब पूरा ये लड्डू बन गया है, लड्डू ये देख सकते हैं आप। चलो जितना उठा उतना खाते हैं। मेरा मुंह देख के समझ में आ गया होगा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसका जो मसाला मिला था ऊपर से डालने वाला था तो थोड़ा कैसे बोलूँ मैं, अभी मसालेदार लग रहा है, अजीब सा पाउडर पाउडर खा रही हूँ जैसे लग रहा है। ओके वेज वाला अच्छा था, बट ये
इसके बाद मैं खाऊंगी किमची फ्लेवर, देखते हैं किमची कैसा है। मुंह में जाते ही इतना अच्छा टेस्ट आया। टेस्टी है। मतलब कुछ किमची, मतलब ये जो ये पत्ता गोभी है ना, कोरियन पत्ता गोभी, वो वाला फ्लेवर लग रहा है। एक्चुअली बनाता वही है। ठीक है, अब मैं ट्राई करने वाली हूँ सुपर स्पाइसी, देखते हैं। अभी तक तो मुझे ये जो वेज कोरियन चीज़ है हॉट एंड स्पाइसी, वो थोड़ा स्पाइसी लगा। अब इसका देखते हैं ये सुपर स्पाइसी कहा है, सच में स्पाइसी है या नहीं है पता चलेगा। मैं खाती हूँ, देखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। स्पाइसी है बट उतना भी नहीं है। ओके ओके है, इससे ज़्यादा स्पाइसी बहुत था। होटल स्पाइसी वेज वाला, ओके, नॉर्मल नूडल्स और हल्का स्पाइसी। बस इसका जो फ्लेवर है, मतलब इसमें जो स्प्रिंकल डालने के लिए था फ्लेक्स, वो स्पाइसी है बस और नॉर्मल। अब मैं ट्राई करने वाली हूँ यूज नूडल सूप, वेजी रामियन, वेजी रामियन सूप तो है नहीं, पूरा ड्राई हो चुका है आप देख सकते हैं, बट ठीक है, टेस्ट करते हैं कैसा रहता है ये। पूरा फीका, मतलब ओके है, नॉर्मल है। मतलब इसका टेस्ट और इसका टेस्ट दोनों का लगभग टेस्ट सेम है, बस ये थोड़ा सा स्पाइसी है और ये थोड़ा ज़्यादा ही फीका है। सूप जैसा, हाँ सूप जैसा लग रहा है। अब आ जाते हैं हमारे इंडियन फ्लेवर जो कि है नॉर कोरियन रामियन। ठीक है, अब ये देखिए थोड़ा स्पाइसी दिख रहा है, देखने में तो बहुत टेस्टी दिख रहा है। मैं खाती हूँ तो पता चलेगा टेस्टी है या फिर ऐसे ही है। सोया फ्लेवर, सोया सॉस है ना, उसका फ्लेवर ऊपर से लग रहा है, उठ रहा नहीं मुझसे। सोया का फ्लेवर लग रहा है और वैसा कुछ नहीं है, जैसे पैकेट में दिख रहा था टेस्टी सा, वैसा कुछ नहीं है। मुझसे पूछा जाएगा तो मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू ये दूंगी कि जो इंडियन फ्लेवर है, जो उसमें इंडियन तड़का डाला हुआ था तो पता चल रहा था, तो ठीक था। बट इंडोनेशिया जो फ्लेवर था, इंडोनेशिया का जो ये दोनों हॉट एंड स्पाइसी था, वेज वाला ज़्यादा टेस्टी लगा था, नॉनवेज वाला पाउडर पाउडर लग रहा था, ऊपर से लग रहा था, पाउडर डाल के मैं खा रही हूँ। हाँ, उसके बाद जो कोरियन था, तीनों कोरियन नूडल्स अच्छे थे टेस्ट में, थोड़ा सा कैसे बताऊँ मैं, सिंपल फ्लेवर था, मतलब ज़्यादा ज़्यादा सॉल्टी नहीं, ज़्यादा मसालेदार नहीं, नॉर्मल। ठीक है, सारा नॉर्मल था टेस्ट में, ओके था कि हाँ अगर आप चाहो तो उसे कंटिन्यू कर सकते हो,
और अगर आप चाहो, अगर आपका मुंह में वो मसालेदार खाने का अगर आपको आदत है तो शायद आपको ये पसंद ना आए, बट अच्छा था। लेट मी फिनिश ऑल दिस, क्योंकि इतने सारे बनाई हो तो मुझे अकेले को खाना पड़ेगा। और ये जो बर्तन मैंने आपको दिखाया था उसके अंदर भी है। अच्छा, आज लग रहा है कि हाँ, मैं पता नहीं कहाँ खाने वाली प्रजाति से मैं आई हूँ। हाँ, मैं खाते पीते घर के लोग, और अभी मैं ये सारे फिनिश करने वाली हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप भी अगर आप ट्राई कीजिएगा, इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई देन यू कैन ट्राई। अगर आपके लोकल मार्केट में कोई भी कोरियन नूडल्स मिलता है तो प्लीज़ गो एंड परचेज एंड कम एंड कुक एंड ईट एंड प्लीज़ कमेंट मी कि हाँ कैसा लगा, आपने कौन सा फ्लेवर ट्राई किया और आपको कैसा लगा उसका टेस्ट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जरूर से जाएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।